हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर खुशबू और आज मैं आपको बताऊंगी डैंड्रफ के लिए बेस्ट होम रेमेडी कि अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम रहता है तो आप क्या कर सकते हो। डैंड्रफ के लिए बेस्ट रहता है एप्पल साइडर विनेगर। ये किसी भी मार्केट से आपको मिल जाएगा। उसको आप एक ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर को लेके एक बड़े से बाउल में पानी लेके उसमें डाइल्यूट कर दो और जब आप पूरा सर को धो लेते हो उसके बाद वो पानी आपको अपने सर में डालना होता है। तो एप्पल साइडर विनेगर हेल्प करता है डैंड्रफ में। दूसरा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी काफ़ी हेल्पफुल देखा गया है डैंड्रफ में, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से जो हमारे स्कैल्प है उसकी जो स्किन होती है वो इरिटेट हो जाती है। तो एलोवेरा जेल सूदिंग होता है, हाइड्रेटिंग होता है। तो एलोवेरा जेल किसी भी ब्रांड का जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि स्टेमियो का आप ले सकते हो। मैं साइड में पिक्चर शेयर कर रही हूँ। ये नॉन स्टिकी है, इसको आप डायरेक्ट स्कैल्प में लगा के फिर 15-20 मिनट के बाद आप हल्का सा मसाज करके उसको वॉश कर दो। तीसरा जो टी ट्री ऑयल होता है, टी ट्री ऑयल भी काफ़ी हेल्पफुल देखा जाता है डैंड्रफ में। तो उसको भी आप पानी में कुछ ड्रॉप्स मिक्स करके उसको कॉटन बॉल से स्कैल्प में रूट्स में लगा सकते हो और फिर आधा एक घंटे के बाद आप स्कैल्प को वॉश कर सकते हो। तो ये तीन चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हैं लॉन्ग रन में अगर आपको डैंड्रफ का ऑन गोइंग प्रॉब्लम रहता है। तो एक अच्छे से एंटी डैंड्रफ शैम्पू की अगर मैं बात करूँ तो आर्कोलेन शैम्पू आप यूज कर सकते हो हफ्ते में 2 या 3 बार। तो ये था एक छोटा सा वीडियो डैंड्रफ के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।